हाय एवरीवन। तो आपने सब्जेक्ट लाइन देख के समझ ही लिया होगा कि आज मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो मैंने कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख रखे हैं, कुछ चीज़ें जो टिकटॉक की हैं, कुछ चीज़ें यूट्यूब की हैं। उसके बाद मैं बताऊँगा कि मेरा अपना पर्सनल क्या आंसर होगा या पर्सनल क्या चीज़ मुझे ज़्यादा लगता है जो कि कह सकते हैं या बहुत अच्छा है या जो भी, कि YouTube ज़्यादा अच्छा है या YouTube में मेहनत ज़्यादा है या TikTok ज़्यादा अच्छा है और TikTok में मेहनत ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि YouTube और TikTok ये दोनों ही जो सोशल प्लेटफॉर्म हैं, ये दोनों अलग हैं, ठीक है। ऑडियंस चाहे एक हो, जैसे अगर मैं अपने आप को ऑडियंस में काउंट करता हूँ तो मैं YouTube भी देखता हूँ और TikTok भी देखता हूँ। ऐसी कौन सी बात मुझे लगी कि मुझे भी वीडियो बनाना चाहिए, और क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे लोगों को, पर मैंने ये भी देखा कि लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे को बताने के लिए कि नहीं, हमने ज़्यादा मेहनत करी, तुम ये करते हो, तुमने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया, टिकटॉक है ही क्या या यूट्यूब है ही क्या। तो लोग कह रहे हैं कि तुम यूट्यूब में हो तो टिकटॉक आओ, फिर तुम दिखाओ हमें कि तुम कैसे हो या क्या कर सकते हो। और जो यूट्यूबर हैं वो कह रहे हैं कि तुम टिकटॉक में क्या करते हो, तुम यूट्यूब का वीडियो बना के दिखाओ। तो मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब दोनों प्लेटफॉर्म अलग हैं तो YouTube या TikTok, हम दोनों में मतलब डिसाइड करने वाले हम कुछ नहीं हैं, डिसाइड करने वाली ऑडियंस होती है। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, इंफॉर्मेटिव है, एंटरटेनिंग है और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो लेट द ऑडियंस डिसाइड। आप एक दूसरे को गाली देके या दूसरे की बेइज्जती करके क्यों कर रहे हैं तो मुझे नहीं पता। हो सकता है कुछ लोग फ्रस्ट्रेटेड हो कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं और सामने वाला ये कर देता है, वो कर देता है, या उनको ये भी लगता हो कि भाई लोग ऐसे हैं कि भाई छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े वीडियोज बना देते हैं और जो कि फालतू की बातें हैं, बेसरपैर की बातें हैं, कोई कोई सेंस नहीं बनता बातों का। तो खैर, आज मैं इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ कि मैं भी कुछ अपनी अपने पॉइंट्स रख सकूँ। हो सकता है आप लोगों को समझ आए, हो सकता है आप लोग की भी वही सोचो, आप में से काफियों की भी वही सोचो जैसे मेरी है। ठीक है, फिर शुरू करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है कंटेंट। तो YouTube का कंटेंट और TikTok का कंटेंट, आपने देखा होगा कि YouTube के जो वीडियोस हैं वो जब लोग बनाते हैं तो कुछ बताने के लिए बनाते हैं, एंटरटेन होते हैं। कुछ लोग गेमिंग करते हैं उसमें, कुछ लोग अनबॉक्सिंग करते हैं, या कुछ लोग डिटेल्स देते हैं, ट्रैवल के वीडियोस बनते हैं और बहुत सारे मतलब हर चीज़ का। मुझे यह लगता है कि अगर मुझे कुछ भी सीखना हो या कुछ भी समझना हो, और या मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा कंप्यूटर को लेके, लैपटॉप को लेके, पासपोर्ट को लेके, वीज़ा को लेके, तो मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, टिकटॉक पे नहीं, ठीक है ना। टिकटॉक में लोग लिपसिंग करते हैं, जो बने बनाए गाने हैं उनमें लोग लिपसिंग करते हैं, एंटरटेनिंग है, लेकिन ये आपका नहीं है, ये किसी और ने गाने बनाए हैं, ये उनका है। सेकेंड पॉइंट है टाइम लिमिट। YouTube में टाइम लिमिट मेरे हिसाब से कोई नहीं है। हो सकता है वीडियो 10 मिनट का भी हो, 10 सेकेंड का भी हो, 1 घंटे का हो, 2 घंटे का, 5 घंटे का, तो वीडियोस की जो लिमिट है। अब जो ऑडियो जैसे जो लाइव म्यूजिक लोग लगा देते हैं मेडिटेशन की, वो तो 8-8 घंटे के होते हैं, आप ये देखो। और टिकटॉक में 15 सेकेंड और 60 सेकेंड, तो जो कंटेंट वाले हैं उनको अपनी बात 15 या 60 सेकेंड या 60 सेकेंड के अंदर ही उनको कहनी होती है, और कहनी होती है या कह लो कि कॉपी पेस्ट करनी होती है, क्योंकि जो सामने वाले ने कहा अपनी आवाज में, वही आपने बोला अपनी आवाज में, जैसे लिपसिंग कर दी, या जो उसने म्यूजिक यूज करी वही म्यूजिक आपने यूज करी, वही किसी और ने करी, वही किसी और ने करी, और वही आगे ऐसे फ्लो में चलता रहता है। थर्ड पॉइंट, क्रेडिट। भाई जो यूट्यूब है, जो यूट्यूबर है, इतने टाइम से जो खुद से बोल रहे हैं, जैसे मैं खुद से बोल रहा हूँ, तो ये मेरी आवाज़ है ना और मेरी जबान है, अब इसको तो कोई कॉपी नहीं करेगा ना। तो टिकटॉक में जैसे अभी मैंने एक वीडियो देखा तो किसी ने बोला कि भाई आप लोग टिकटॉक में क्रेडिट क्यों नहीं देते हैं जिसका आप गाना यूज़ कर रहे हैं या डायलॉग यूज़ कर रहे हैं। तो वो कहते हैं नीचे लिखा तो है, नीचे लिखा तो है, नीचे लिखा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सामने वाला अपने आप से ही सोच के समझ जाएगा कि हाँ भाई
दे ही दिया होगा क्रेडिट, तो कम से कम आपको अपनी तरफ से भी मेंशन करना हो करना चाहिए वैसे तो। अगर आप नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, आज आप नहीं कर रहे कल को आप ही की कोई कॉपी करेगा, वो भी नहीं करेगा। और भी एक मैंने वीडियो देखा था जिसमें एक लड़की ने ये भी बोला था कि भाई ये चीज़ मैंने बनाई है और लोगों को लगता है कि मैंने कॉपी करी किसी से। तो आप खुद सोचो भाई टिकटॉक में किस तरीके से काम हो रहा है, कुछ लोगों के लिए अच्छा है, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता, कुछ लोगों के लिए बुरा है जो गुस्सा आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है फिल्टर्स। टिकटॉक फिल्टर्स के मामले में अच्छा है कि भाई टिकटॉक में बहुत सारे फिल्टर हैं। मैंने भी एक वीडियो बनाया, एक ही बनाया अभी तक, और मैंने भी फिल्टर यूज़ किया, तो काफ़ी लोग फिल्टर्स यूज़ करते हैं। और यूट्यूब में कोई ऐसा फिल्टर मुझे नहीं दिखा, पर अगर आपको फिल्टर यूज़ करना है यूट्यूब में तो आपको मैनुअली करना पड़ता है। टिकटॉक में जो बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, बने बनाए फिल्टर्स हैं, आप वो यूज़ करते हैं और बस वही वही सेम चीज़ है कि उस फिल्टर पे अगर आप जाओगे तो आपको दिख जाएगा कि लोगों ने या बाकी लोगों ने, जितने लोगों ने भी टिकटॉक उस फिल्टर्स को यूज़ करके बनाया, तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि हाँ भाई इस तरीके से भी हम बना सकते हैं, तो वैसे ही आप लोग फॉलो करते हैं। पर यूट्यूब में जो क्रिएटर है उसको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि भाई मैं किस तरीके से अपना वीडियो थोड़ा या अपना लोगो वीडियो में एनिमेट करूं, या अपना इंट्रोडक्शन उसमें इंट्रो वीडियो डालूं, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये तो था मेरा पॉइंट नंबर 4। तो 5 है एडिटिंग। भाई टिकटॉक में आप लोग एडिटिंग कैसे करते हैं, जो मुझे पता है वो ये है मोबाइल, और मोबाइल पे भी जैसे मैंने तो एक ही वीडियो बनाया तो मुझे एडिटिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, फिल्टर सिलेक्ट किया और बस जैसा उसमें जो भी गाना था बस मैंने भी उसी तरीके से बोल दिया, कुछ अपने जो भी हुआ करना था करके बोल दिया, तो कहीं मुझे एडिटिंग की कहीं से लगा नहीं उसमें, बस यही आया कि इसको पोस्ट कर दें या ना करें बस। एडिटिंग अगर हम यूट्यूब के लिए देखें तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, कंप्यूटर में भी अच्छी एडिटिंग के लिए फिर अच्छा सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर आपको पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं मिलता तो आपको ख़रीदना पड़ता है, तो लोग एडिटिंग के लिए पैसा भी लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको फ्री मिल जाता है या आपने नेट से डाउनलोड कर लिया या जो भी, तो एडिटिंग के लिए जो आपके गेयर हैं वो यूज़ में आते हैं। टिकटॉक में बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, जो कि आमतौर पर बहुत कॉमन हो गया है कि सभी के पास स्मार्टफोन है। पर एडिटिंग के लिए अगर यूट्यूब के लिए देखें तो यूट्यूब में चाहिए होता है भाई, आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, अच्छा लैपटॉप चाहिए, रेंडरिंग के लिए आपको अच्छा लैपटॉप चाहिए होता है, वरना वीडियो हैंग करता है या नहीं भी होता एक्सपोर्ट। तो ये हो गए मेरे 5 पॉइंट। अब आते हैं छठे पे। छठा मेरा पॉइंट है एग्जांपल्स, कंटेंट के एग्जांपल। तो मैंने अभी पहले भी बताया कि यूट्यूब अगर देखें तो यूट्यूब में हज़ारों तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, हज़ारों तरीके के, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन से हो या कोई डॉक्यूमेंट्री हो या वाइल्ड लाइफ हो या ट्रैवल हो, हॉस्टल हो, होटल हो और कंट्रीज हो या कुछ भी हो, यूट्यूब में आपको मिलेगा। टिकटॉक में, वही है, दिल टूट रहे हैं लोगों के और स्टाइल है, स्लो मोशन कर रहे हैं लोग, लड़का लड़की बन के भी घूम लेता कभी कभी, चलो वो तो क्रिएटिविटी में आ गया, लेकिन एंटरटेनमेंट के अलावा टिकटॉक में और तो मेरे ख्याल कुछ है नहीं, मतलब मुझे नहीं दिखा कुछ भी। तो आप लेवल देख रहे हैं कि लेवल कहाँ है यूट्यूब का और लेवल कहाँ है टिकटॉक का, चाहे दोनों ही सोशल मीडिया के पार्ट हैं, पर मेहनत किस में ज़्यादा आ रही है और ख़र्चा किस में ज़्यादा हो रहा है, अभी तक आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, मैं अपना नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मेरा 7वां पॉइंट जो है वो है कॉमेडी। टिकटॉक कॉमेडी में मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि भाई टिकटॉक में कॉमेडी ज़्यादा होती है, लोग चाहे वो अपनी बात कह रहे हों चाहे अपना कुछ भी कर रहे हों, लेकिन मुझे उसमें थोड़ी सी ज़्यादा कॉमेडी लगती है, और वो जिस तरीके से हंसते हैं या जिस किसी को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो है। और यूट्यूब में कॉमेडी थोड़ी बनानी पड़ती है या कुछ लोगों में इनबिल्ट होती है भाई, कुछ लोग तो अपने आप ही
कॉमेडियन ही होते हैं, उनको बात करना अच्छा लगता है, हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, और कुछ लोग एडिटिंग के थ्रू भी कॉमेडी अपनी पेश करते हैं, कॉमेडी जैसे कहते हैं। और हाँ, टिकटॉक कॉमेडी में मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, मैं देखता दोनों हूँ, लेकिन हाँ टिकटॉक बस ये बस जरा सा हुआ, स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया स्क्रॉल किया, बस मोबाइल ऐसे लगा रहता है, तो उसमें मुझे थोड़ी सी कॉमेडी टिकटॉक में ज़्यादा लगी। आठवां पॉइंट है टेम्पलेट। तो टिकटॉक में टेम्पलेट्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब में नहीं है, यूट्यूब में मुझे नहीं दिखे, यूट्यूब में मेरे हिसाब से नहीं है। तो आप टिकटॉक के टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, ऑटो टेम्पलेट हैं, लोगों को क्या करना है सिर्फ फॉलो करना है, जैसा उसमें है उसमें आप बोला कि फोटोज अपलोड करो या जो भी, आपने बस वो कर दी और वो अपने हिसाब से उनको एडिट, मतलब एडिट क्या है, जो भी उनका प्री प्री डिफाइंड टेम्पलेट है उस हिसाब से वो डेवलप कर लेता है वीडियो को। नाइन्थ पॉइंट पे आते हैं अपने, इन्फॉर्मेटिव। अब जैसे कि मैं रिपीट कर चुका हूँ, मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ कि यूट्यूब मुझे सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा, टिकटॉक नहीं। टिकटॉक में क्या इन्फॉर्मेशन कि कुछ मूवीज़ के डायलॉग हैं, अगर आपने मूवी देखी है तो आपको पता ही होंगे, और कॉपी पेस्ट है जो भी लोगों ने किया, लेकिन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पे ज़्यादा है और हर चीज़ की है। यूट्यूब पे हो सकता है आपको ये भी मिल जाए कि टिकटॉक पे वीडियो कैसे बनाते हैं, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, तो यूट्यूब को थोड़ा और लेवल ऊपर हो गया मेरे हिसाब से। अब लास्ट पॉइंट जो मेरा है वो है फेम का। अब लोग इतना लड़ रहे हैं, इतना एक दूसरे को बोल रहे हैं, गलत भी बोल रहे हैं सही भी बोल रहे हैं या जो भी, कि भाई तुम फेमस हो गए, या इसमें टिकटॉक वाले कैसे हो गए फेमस या यूट्यूब वाले कैसे हो गए फेमस। तो इसमें मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि फेमस होना ऑडियंस के हाथ में है, आप यूट्यूबर हैं आप टिकटॉकर हैं, ऑडियंस डिसाइड करती है कि उनको उस वक्त उस पॉइंट पे क्या अच्छा लग रहा है देखना। रही बात मेहनत की, तो यूट्यूब में ज़्यादा मेहनत है, अभी भी आप देख लो कि मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ, इसको भी इसके बाद मैं कॉपी करूँगा, थोड़ा बहुत देखूँगा कि इसको एडिट कैसे कर सकते हैं, हो सकता है कलर करेक्शन करना हो या कुछ भी करना हो, तो मुझे थोड़ा इसके बाद भी काम करना पड़ेगा यूट्यूब में डालने के लिए। अगर यही मैं टिकटॉक कर रहा था तो शायद इतने में कितने सारे वीडियोज़ बन चुके थे ऑलरेडी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि फेम के लिए, व्यूज़ के लिए, आप जो लोग मैंने देखे हैं कुछ लोग लड़ रहे हैं कि उसमें व्यूज़ ज़्यादा हैं उसमें कम हैं, या फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर हैं, तो मेरे हिसाब से उसमें हम और आप नहीं होते हैं डिसाइड करने वाले, तो वो आप ऑडियंस पे छोड़ दीजिए कि अगर ऑडियंस को आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उनको डिसाइड करने दीजिए, अगर उनको टिकटॉक अच्छा लग रहा है उनको उसके लिए डिसाइड करने दीजिए। मेहनत आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ टिकटॉक वाले भी जानते हैं, तो मेहनत सभी में है, बस लेवल ऑफ मेहनत जिसको कहते हैं कि लेवल हाई किसका है, तो मेरे हिसाब से यूट्यूबर्स की मेहनत ज़्यादा लगती है। खैर मुझे इतना ही बोलना था, मैं तो दोनों की तरफ हूँ, लेकिन ये है कि मेरी नज़रों में यूट्यूब में जो मेहनत होती है वो ज़्यादा है, और यूट्यूब मेरे लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है, एंटरटेनिंग के लिए टिकटॉक एंटरटेनिंग है, यूट्यूब भी है पर टिकटॉक एंटरटेनिंग इसलिए है क्योंकि 15-20 सेकंड की बात है या 1-60 सेकंड की बात है, जल्दी जल्दी हो जाता है, जिसने जो करना है फटाफट किया। तो कुछ एक्सप्रेशंस हैं टिकटॉक में, लोग अपने डांस स्टेप्स भी दिखाते हैं, हो सकता है जो कभी डांस शो में जिन्होंने कभी पार्ट ना लिया हो या ना ले पाए हों, तो वो टिकटॉक के थ्रू भी अपने डांस स्टेप्स दिखा देते हैं, वो भी अच्छा है, खैर एंटरटेनिंग है। तो बस मेरा यही कहना है, आप बने रहिए, और अगर आपको अच्छा लगा चैनल तो सब्सक्राइब कीजिए, और बस लाइक करिए शेयर करिए, और आपकी क्या राय है जो मैंने बोला है, कुछ भी जो आपको गलत लगा हो या सही लगा हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे बताएं। ओके, थैंक यू, बाय।